साथियों, दीदी को बंगाल के भाई बहन नहीं दिखाई देते, उन्हें तो बस वोट दिखाई देता है। वोट वो आप पर पैसा लेकर रैली में आने का इल्जाम लगाती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा जोर से पूरी ताकत से बताओ ताकि दीदी को सुनाई दे। आप पैसे लेकर के आए हो क्या? क्या आपको यहां आने के लिए बाद में पैसा मिलने वाला है क्या? क्या दीदी ने आपका अपमान किया कि नहीं किया? आपको बदनाम किया कि नहीं किया? आपके ऊपर गलत आरोप लगाया कि नहीं लगाया? इस दीदी पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? दीदी को सजा करोगे कि नहीं करोगे? पक्की सजा करोगे? पोलिंग बूथ जाकर कमल पे बटन दबा करके दीदी को ऐसी सजा करो ताकि वो फिर से कभी आप पर ऐसे गंदे आरोप न लगाए। दीदी तो यहां तक बोल गई, वो आप पर पैसा लेकर वोट देने का इल्जाम लगाती है। क्या आप पैसा लेकर के वोट देते हैं क्या? आप वोट बेचते हैं क्या? क्या आप वोट बेच करके पेट भरते हैं क्या? क्या आप ऐसी स्थिति में है क्या? क्या ये दीदी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? ये टीएमसी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? ये चुनाव में चुन चुन करके हिसाब लीजिए, लेंगे ना? दीदी में इतना अहंकार हो गया है कि वो बंगाल के हमारे वोटर भाई बहनों को अपनी जागीर समझने लगी है। दीदी ने बंगाल की जनता के लिए ही कहा था, मैं याद कराता हूं, दीदी ने बंगाल की जनता के लिए क्या कहा था? जे गोरु दूध दाए तार लातियो खेते हो, याद है ना दीदी? दीदी याद है ना? आपको याद है ना? दीदी और उनके अपराधियों ने बंगाल की जनता को त्रस्त किया है, निचोड़ दिया है। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। आपने बंगाल के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। आपने बंगाल के भावुक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। दीदी, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। लेकिन दीदी, आप याद रखिए, दीदी आप याद रखिए, पापेर धन प्रायश्चिते जाए, पापेर धन प्रायश्चिते जाए, कोयला धुले मोयला जाए ना।